नमस्कार, मैं आपके अध्यापिका लक्षिता आपको आज कक्षा 10वीं का हिंदी सेक्शन अ, ये अ पार्ट है और ये काव्य खंड का हम कविता 2 पढ़ रहे हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें हम राम जी, लक्ष्मण जी और परशुराम जी के मध्य हुए संवाद के बारे में पढ़ेंगे, वो भी किस समय, जब सीता स्वयंवर हो रहा था। ठीक है, सीता स्वयंवर के समय जो वहां पर शर्त रखी गई थी कि जो शिव जी का धनुष है उसे उठाकर उसमें क्या जो तार होती है वो उसमें लगानी, तो क्या होता है श्री राम मतलब बाकी राज्यों से तो वो उठाया भी नहीं गया, परंतु श्री राम बिल्कुल मतलब उनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं है, किसी भी चीज का लोभ नहीं है, उन्होंने उसे उठाया और धनुष उठाने के बाद में जैसे ही उतार लगाने गए वो धनुष टूट गया। तो जब वे धनुष टूटा उसके बाद परशुराम जी सभा में आए, वहां पे लक्ष्मण जी भी उपस्थित थे और बाकी सभागण भी थे। तो उसके बाद क्या हुआ वो हम इस कविता में पढ़ेंगे, जो ये हमारा काव्य खंड है इसमें पढ़ेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे साथ सहयोग बना के चलेंगे और हम ये आज बड़े अच्छे से इसको पूरा समाप्त करके रहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा भी है और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है और बहुत ईजी भी है। जितना ही ये इम्पॉर्टेंट है, जितना ही ये जरूरी है, उतना ही इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, पर ये इजी भी उतना ही है। अगर हम एक बार इसको अच्छे से पढ़ लें तो हम ये आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने इससे। काव्यखंड है ये तुलसीदास द्वारा रचित है, तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस लिखी थी और तुलसीदास ही मतलब रामचरितमानस के तो रचयिता है ही, उन्हीं के रामचरितमानस से ये हमारा ये जो संवाद है ये लिया गया है, वो भी कहां से, बालखंड से। ठीक है, तब हम तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश में बांदा जिले राजापुर गांव के में सन 1532 में हुआ। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अशुभ नक्षत्र में जन्म के कारण माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया, अतः एक धाय ने इनका पालन पोषण किया। अपने बाबा नरहरि के आश्रम में यह विद्याधन ने किया। शेष सनातन जी ने इन्हें वेदों पुराणों एवं धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दी। इनका विवाह वाराणसी में रत्नावली से हुआ। मैं अत्यंत सुंदर एवं विदुषी थी। एक बार उनकी पत्नी मायके चली गई, तुलसी भी ससुराल जात दबके, पिता पति का आना पत्नी को बुरा लगा। वह बोली, फिर तो तुलसी विरक्त हो गए और उन्होंने शेष जीवन राम के गुणगान में व्यतीत किया। उनकी मृत्यु सन 1623 में हुई। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, तुलसी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तुलसीदास जी का जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हम जैसे कह सकते हैं वो रामचरितमानस है। इसके अतिरिक्त विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, बरवी रामायण, पार्वती मंगल,
जानकी मंगल, रामलला नहचु, वैराग्य संदीपनी और रामाज्ञा प्रश्न प्रमुख हैं। काव्यगत विशेषताएं। तुलसी राम काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि, धार्मिक नेता, आदर्श समाज सुधारक, तत्वेत्ता, दार्शनिक, दूरदर्शी, राजनीतिज्ञ एवं युद्ध प्रवर्तक व्यक्ति थे। ठीक है, अब हम अपना काव्यखंड शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहले काव्यांश है उसमें क्या है, नाथ संबोधन भंज निहारा, होई क्यों के एक दास तुम्हारा, आए सुका अकही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सेवको सो जो करे सेवकाई, अरी करी करनी करी अकरी लड़ाई, सुनहु राम जही शिव धनु तोड़ा, सहस बानु सम सो निपुर मोरा, सो बिल गाओ बिहाई समाजा, ना तमारे जही समराजा, सुनि मुनि बचन लख नमस्काए, बोले परसु धरी अवमाने, बहु धनुई तोरी लड़िकाई, कबू नासीर सिकिन्ही गोसाई, ये नी धनु पर ममता के हित हेतु, सुनी रिसाई के भृगुल केतु, रेण प्रबाल काल बस बोलत तो ही ना संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धन विदित सकल संसार। ये हमारा काव्यांश था, अब हम इसकी क्या देखेंगे व्याख्या। तो प्रस्तुत काव्यांश में क्या कह रहे हैं कि नाथ, नाथ मतलब परशुराम जी, कौन संबोधित कर रहे हैं, श्री राम। नाथ संबोधन भिंज निहारा कि जिसने, हे नाथ, जिसने आपका ये या शिवजी का ये धनुष तोड़ा है, होई के हो एक दास तुम्हारा, वो तुम आपका एक दास ही है। अर्थात उन्होंने कहा है जिसने ये धनुष तोड़ा है वो आपका दास है। या फिर मैं आपका दास हूं, क्योंकि तोड़ा तो राम जी ने, तो वो क्योंकि परशुराम जी को पता नहीं था कि वो राम जी ने तोड़ा है। ठीक है, आयसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, कि मेरे लिए क्या आज्ञा है मुझे कहिए, ये सुनी रिसाई मतलब यह सुनकर, ठीक है, सुनी रिसाई परशुराम जी जो है ये सुनकर गुस्से में बोले, ठीक है, क्या बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवक वो होता है जो सेवकाई मतलब सेवक का काम करता है। ठीक है, अधिक करनी करी अकरी लड़ाई, बुरा, अधिक करी मतलब शत्रुता का काम करने वाला, तो लड़ाई से तो लड़ाई ही की जाती है। उनका कहने का यह अर्थ है जिसने ये धनुष तोड़ा है वो मेरा एक क्या है, शत्रु है, क्योंकि ये धनुष उनका तो था नहीं, ये किसका था, शिव जी का धनुष था, और शिव जी के वो बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उनको बहुत ज्यादा क्रोध आया और वो ये कह रहा। अब सुनो राम जही शिव धनु तोड़ा, सहस बानु समरिपु मोरा, सुनो राम, तुम सुनो कि जिसने भी, पूरी सभागण में से जिसने भी मेरा ये धनुष तोड़ा है वह सहस बानु के समान मेरा शत्रु है। सहस बानु वो था जिसके 100 भुजाएं थी, और परशुराम जी ने अपने फरसे से, फरसे मतलब जो कोल्हार वो लेके घूमते हैं, उससे उसकी सारी भुजाएं काटी थी, और उनका सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, आपको ये समझ आया। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नाते मारे जे ही समराजा, अगर कोई भी बाहर निकल कर नहीं आया, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है अगर वह बाहर निकल कर नहीं आया, ठीक है, तो मैं सभी राजाओं को, इस पूरे सभा के जितने भी राजा बैठे सभी को मार दूंगा, मौत के
घाट पहुंचा दूंगा। सुनी मुनि बचन लखन नमस्काए, बोले परसु धरई अब माने। ठीक है, ये सुनकर, मुनि के वचन सुनकर कौन मुस्काए? लखन जी मुस्काने लगे। लखन जी कौन? लक्ष्मण जी, ओके, श्री राम जी के छोटे भाई, मुस्काने लगे। बोले परसु धरई अब माने, परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, क्या बोले? बहु धनुई तोरी लड़िकाई, कबो न असी दिसी किनी गोसाई। हे गोसाई, हमने अपने लड़िकाई मतलब बचपन में बहुत ऐसे तो हजारों धनुष तोड़े, तब तो आपने हमें क्रोध नहीं किया, अब तब तो आपने हमें डांटा नहीं है, क्रोध नहीं किया, आपने इतना गुस्सा नहीं दिखाया। ये नहीं धनु पर ममता के ही हेतु, सोने दिसाई के भृगुकुल केतु। कि ये ऐसे इसी धनुष पे आपको इतनी ममता क्यों आ रही है, इतनी दया क्यों आ रही है, इतना लगाव क्यों है आपको इस धनुष से? कि सुनी रिसाई के भृगुकुल केतु, ठीक है, भृगुकुल केतु मतलब परशुराम जी को ये कहते हैं। तो अब सुनी रिसाई, अब परशुराम जी ने ये सुनकर वो क्रोध में भरकर कहते हैं, रिसाई मतलब क्रोधित होकर कहते हैं, रेंद्र बालक काल बस बोलत ते ही ना संभार, धनुही सम त्रिपुरारी धन विदित सकल संसार। कि हे राजा के पुत्र, क्या था, नृप बालक मतलब राजा के पुत्र, काल के वश में तू कुछ भी बोले जा रहा है, तेरा अपनी जीवा पर मतलब जीव पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, तू उस पे अपना वश नहीं कर पा रहा है और तू समझ नहीं पा रहा है कि तू क्या बोल रहा है। सारे धनुही सम त्रिपुरारी धन विदित सकल संसार, ये पूरे संसार में विख्यात शिव जी का धनुष है, ये कोई ऐसा वैसा धनुष नहीं है, कोई सामान्य धनुष नहीं है, ये किसका है? शिव जी का धनुष है, जो पूरे संसार में क्या है, प्रमुख है। अब हम काव्यांश दो देखते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देख राम नैन के भोरे, छोद टूट रघुपति के दोसु ना दोसु, मुनि बिनु काज करे कत रोसु, बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव ना भोरा, बालक बोली वधो नही तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, ब्रजबल भूमि भूम भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महि देवन दिन्ही, सहस भानु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महिप कुमारा, मातृ पित पित दि जनी सब सोच बस, करिस महिष महिष किशोर, गर्भन के अभरक दलन, परसु मोर अति घोर। अब इसका क्या अर्थ है, इसकी व्याख्या देखते हैं। लखन ने जी ने कहा, मतलब लक्ष्मण जी ने कहा, हसी हमरे जाना, कि लखन जी ने कैसे कहा, हसी मतलब हंसकर कहा, सुनी देव सब धनुष समाना, कि हे देव, हे परशुराम, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। का क्षति लाभ जुनू धनु तोड़े, इसमें फिर धनुष पुराने धनुष के टूटने से क्या तो हानि है, क्या ही लाभ है, ठीक है। देखा राम नैन के भोरे, श्री राम इस नैन में धोखा था, श्री राम को धोखा था कि नया धनुष है, उनको नहीं पता था कि पुराना धनुष है, ठीक है। छुए तो टूट रघुपति ना दोसु, कि वो तो श्री राम के छूते ही टूट गया, इसमें उनका क्या दोष, उन्होंने तो इसको नया समझा था, उन्हें क्या पता था कि पुराना धनुष है, ऐसा हाथ लगाते टूट जाएगा। मुनि बिनु काज करित कत रोसु, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है, ठीक है।
आप आ कारण ही इसके लिए क्रोध कर रहे हैं। रोसु मतलब क्रोध करना। बोले चिते परसु की ओरा रे सट सुने ही सुबह सुबह न मोरा। बोले हे आप परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले कि अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना कि सट मुने सुबह न मोरा, कि तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। बालक बोली बदो नहीं तो ही कि मैं तुझे बालक मान करके, तू बालक है इसलिए मैं तेरे को कुछ कह नहीं रहा हूं, ठीक है ना, मैं तेरे को मार नहीं रहा हूं। केवल मुनि जड़ जानी मोही, तू मुझे क्या नीरा मुनि समझ रहा है, ऐसे कोई जो ऐसे वैसे मुनि समझ रहा है क्या। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत अत्यधि क्रोधी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं इस पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के द्रोही के लिए प्रसिद्ध हूँ कि मैं क्षत्रियों का विनाशक हूँ, मैं क्षत्रियों से घृणा या तो रोष करता हूँ, ठीक है। बुजबल भूमि भूप बिनु की नहीं, विपुल बाद मही देव ने दी नहीं। ये जो ये भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी के राजाओं ने, अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी के राजाओं से धरती को रिक्त, मतलब उनको राजाओं को मारकर उनसे धरती छीन कर मैंने क्या किया है, विपुल बार मैंने देवंदी दी, ब्राह्मणों को दान में दी है, ठीक है। सहस्र भानु छेद निहारा, परसु बिलोकु मई कुमारा। और हे राजकुमार, सहस्र भानु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर तो देख कि ब्रजबल नहीं, सहस्र भानु छेद निहारा कि सहस्र भानु की 100 भुजाओं को मैंने इस फरसे से काटा था, परसु बिलोकु मई कुमारा, इस फरसे की ओर तो देखो। वो उनको डराने की कोशिश कर रहे थे, अपने फरसे को दिखा दिखा कर। मां तो पिते ही जनी सोच बस करसी कस किशोर, हे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के बारे में तो सोच, ऐसा मत कर, मतलब अपने माता पिता के बारे में सोच, उनके बारे में ध्यान लगा, ऐसा मत कर तू। गर्वन के अभग दलन परसु मोर अति घोर, क्या है मेरा फरसा बड़ा ही भयानक है, गर्भ में पल रहे बच्चे इसकी आवाज सुनकर ही नष्ट हो जाते हैं, गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं, वो बाहर से फरसे की आवाज सुनकर ही गर्भ में नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम काव्यांश दिन देखते हैं। अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत हो तो आप मुझे कहीं से भी पूछ सकते हैं। एक तो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है और ऊपर से ये जो हमारा चैनल है उस पर भी कमेंट बॉक्स है, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट एंड आस्क, वी आर ऑलवेज फॉर द हेल्प ऑफ यू। तो इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सो यू मे टेल टू मी एंड आई विल हेल्प यू इन द बेस्ट वे आई कैन, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड स्टैंजा। बीसी लखनऊ बोले मृदुभानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि मुनि मोहि देखा वो कुठारो, चहत उड़ावन फूकी पहारू, यहाँ कुम्भवतियों को नाही, जे तजनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कचुका सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहू सौ रही रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर ना सुराई, बदे पापू अपकृति हारे, मारत हु पा अपरिय तुम्हारे, कोटि कुनिस संबचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनुबान कुठारा,
जो बिलोकीय अनुचित कहियो छमहु महामुनि धीर सुनी सरोष मृगवंश मनि बोले गिरा गंभीर। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। बीसी लखन बोले मृदुवाणी, क्या लक्ष्मण हंसकर मृदुवाणी में मतलब कोमल वाणी में बोले, ओहो मुनीसु महाबटमानी, हे मुनि आप तो बड़े ही भारी योद्धा समझते हो, आप अपने को अपने आप को बहुत ही भारी योद्धा समझते हो। पुनि मुनि मोहि दिखाओ कुठार, बार बार इसलिए मुझे आप कुठार दिखाकर या फिर फरसा दिखाकर डरा रहे हो। चाहे तो उड़ाओ फूक की पहाड़ो, आप तो फूक मारकर पहाड़ उड़ाने जैसी बात कर रहे हो, आप ऐसा चाहते हो कि आप फूक मारकर पहाड़ उड़ा दो। कहा कुंभरबतियां कोई नाही, जे तर्जनी देखी मारी जाही। कुंभरबती होती है जो कद्दू होते हैं ना, कद्दू सीताफल भी जिसे कहते हैं, उसके जो फूल होते हैं ठीक है, उसको कुंभरबतियां कहते हैं। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं, पर ये तो समझ लो जैसे आप कुंभरबतियों के नहीं है जो तर्जनी उंगलियों पे देखते ही मर जाएंगी। क्या कहा गया है इसमें, वो जैसे उनको कुठार या जो हम कह रहे हैं कि फरसा दिखाकर डरा रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि हम कोई कुंभरबती हैं कद्दू के फूल की तरह नहीं कि तर्जनी उंगली, ठीक है, तर्जनी उंगली को देखते ही डर जाएंगी या मर जाएंगी, मर जाएंगी गाइस। कि आप कहेंगे मैं कुठार मार दूंगा तो हम वहां देख के मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। देखिए कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहिता बिमाना, मैंने आपके कुठार और धनुष बाण को देखकर एक गर्व सहित कहा था, ठीक है। मृगसूत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहो सो रही सो रिक रिस रोकी। तो मृगसूत मतलब सॉरी परशुराम जी, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। तो भृगुवंशी समझकर और यज्ञ पवित्र देखकर जो कुछ आपने कहा, जो कुछ भी आपने मतलब परशुराम जी ने जो भी कहा, मैंने उसे मतलब लक्ष्मण जी ने उसे क्रोध को रोककर सह लिया। जो भी वो कह रहे थे कि मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ, मेरा कुठार ही है और वगैरह वगैरह, तो उसको देखकर उन्होंने वो सब तो सह लिया। देवता अब क्या दिए हुए यहाँ पे, सुर महिसुर हरिजन उरुगाई हमारे कुल इन पर ना सुराई, कि देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गो गो गोइन मतलब गाय पर हम हमारे कुल में शूरवीरता नहीं दिखाई जाती, अगर उनसे हार जाओ तो बदनामी होती है और अगर उनको मार दो तो पाप लगता है, ठीक है। बते पापु अपकृत हारे मातु परी है तुम्हारे, बते पापु कि अगर उनसे हार जाओ तो पाप लगता है, उनको मार दो तो पाप लगता है और उनसे हार जाओ तो बदनामी होती है, ठीक है। कोटि कुलिस सम बचनो तुम्हारा, व्यर्थ धरो जनुबान कुठारा, कि इसलिए यदि आप मारे तो भी आपके पैर नहीं पड़ना चाहिए, आपका एक एक वचन करोड़ों वचनों के समान है। कोटि कुशल वचन तुम्हारा, कोटि करोड़ों वज्रों कुशल कुलिस कोटि कुलिस कुलिस मतलब कुठार वज्र करोड़ों वज्रों के समान आपके वचन है। व्यर्थ धरो धनुबान कुठारा, कि आप ना व्यर्थ ही धनुष बाण और कुसार वगैरह कुठार वगैरह ये सब धारण किए हुए हैं, आपके तो वचन ही इतने कठोर है कि आप तो वचनों से ही किसी व्यक्ति को मार सकते हैं। जो बिलोकी अनुचित कहे हो छमहु महामुनि धीर सुनी सरोष भृगुवंश मनि बोले गिरा गंभीर, कि
इन्हें देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो उसे धीरमती महामुनि क्षमा कर दीजिए। कि क्या कहा है इसमें, अगर इन्हें देखकर मैंने यदि कुछ अनुचित ऐसे मैंने कुछ गलत बात कह दिया तो मुझे माफ कीजिएगा। ठीक है, सुनी सरोज भृगुवंशी बोले गीता गंभीर। अब यह बात सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्या बोले, रोष के साथ गंभीर मानी में बोले। अब क्या बोले वो हम फोर्थ स्टैंडर्ड में देखते हैं। चलो अब चौथे कवेंश पाते हैं। कौशिक सुनहु मंद यो बालकु कुटिलु काल वस निज कुल धाल को भानु वंश राकेश कलंक को निपट निरकुशु अबधु अबुधु असंकु काल कवलु होई छन माही कहो पुकारी खोरी मोही नाही तुम हट कहो जो चहु हो उबारा कही प्रतापो बलु रोष हमारा लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा तुम ही अछत को बरने पारा अपने मुँह तुम अपनी करनी बार अनेक भांति बहुवर्णी नहीं संतोषु नता पुनि कछु कहु जाने दिस को रोकी दुसह दुख सहु वीरवती तुम धीर अछोबा गारी देत न पावो सोबा सूर समर करनी करही कही ना जना वही अपो विधामन रन पाई रिपो कायर कथई प्रतापु। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। कौशिक सुनो मंद ये उबालक, कौशिक मतलब परशुराम जी बोले किसको, मंद यो मतलब ये उबालकु कुटिल काल बस निज कुद जालकु। कौशिक कौन है, विश्वामित्र जी। तो विश्वामित्र को कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि है, बड़ा ही कुटिल है, मतलब इसमें दुष्ट है, बड़ा ही काल के वश में कुछ भी बोला जा रहा है। ठीक है, कुटिल काल बसने जी कुद गालक, ये काल के वश में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है, काल के वश में ये कुछ भी बोले जा रहे हैं, इसको पता नहीं है क्या बोल रहा है। भानु वंश राकेश कलंक को निपट निरंकुशु अबधु असंकु, कि यह सूर्यवंश भी चंद्र का कलंक है, ये सूर्यवंशी जो है ये चंद्र के ऊपर उन धब्बों के समान, उन कलंक के समान है। किसके, जैसे चांद पर धब्बे हैं वो मछूर अच्छा लगता है, उसी प्रकार ये भी सूर्यवंश के ऊपर कलंक है। ठीक है, काल कवलु होई छन माही कहो पुकारी खोरी मोही नाही। आप क्या कह रहे हैं, ये बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। ठीक है, ये बिल्कुल निडर है, मूर्ख है, निडर और उद्दंड है। अभी क्षण भर इसके बालक का काल का ग्रास बन जाएगा अर्थात माना जाएगा, काल मतलब वही क्षण मानी, अभी क्षण भर में इसके काल को पहुंच जाएगा। ठीक है, कहो पुकारी खोरी मोही नाही, अभी क्या कह रहे हैं, मैं पुकार के देता हूँ फिर मुझे दोष मत दे देना, कोई भी मुझे दोष मत दे देना, मैं अभी पुकारता हूँ, तुम हटहु जो चहु उबारा कही प्रतापो बनु रोष हमारा, कि यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे हमारे बल प्रताप और क्रोध के बारे में बताकर रोक लो, इसे मना कर दो, वरना ये काल के ग्रास बन जाएगा। ठीक है, लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा तुम ही अछत को बरने पारा, कि लखन कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि आपके सुयश के बारे में आपके अत्यंत मतलब आपके अतिरिक्त
और कोई वर्णन कैसे कर सकता है। ठीक है, सॉरी, अछत को भर नहीं पा रहा। आपके मुंह तुम अपानी करनी, बारे अनेक की भांति बहु बरतनी। आप तो अपने ही मुंह से ही अपनी करनी का नाने प्रकार से बखान किए जा रहे हैं। यदि आपको अभी भी संतोष नहीं हुआ और आपको अभी भी तसल्ली ना हुई हो, तो अभी आप और बातें भी कह सकते हैं अपने बारे में। ना ही संतोषता पुनी कहू कर कहू जिन ऋषि रोकी दसु दुख सहसु। कि अगर आपको अभी भी संतोष नहीं हुआ है, आपको अभी भी मजा नहीं आया अपने बारे में बोल बोल कर, तो अब आप और बातें भी कह सकते हैं अपने बारे में। ठीक है, रोष रोक कर सहसा दुख मत डालिए। अपने आप को रोक कर अपने हृदय पर अपने ऊपर रोष मत डालिए कि मैं बोल नहीं पाया। वीर बढ़ती तुम धीर अछोभा, गाली देते न पाव को शोभा। आप जैसे वीरता का व्रत धारण करने वालों को गाली देते हुए अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देते। वीर बढ़ते तुम धीर अछोभा, वीर का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित हैं। ठीक है, गाली देते ना पाप को शोभा, गाली देना उनको शोभा नहीं देता। सूर समर कर नहीं करी कहीं ना जान जनाबे आपू, बिद बिद मान रन पाई रिपो कायर कथे प्रतापू। शूरवीर तो युद्ध में अपनी करनी करके दिखाते हैं। ठीक है, शूरवीर कहाँ दिखाते हैं अपनी करनी करके? युद्ध में। कहकर बड़ी बड़ाई स्वयं नहीं करते, कहकर अपनी बड़ाई अपने मुंह से नहीं करते। कर लिखा ना, करी कहीं ना जानवी आपू, अपनी बड़ाई खुद से नहीं करते। विद्वान नर पाई रिपु कायर कथे प्रतापू। कि शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की बड़ाई करते हैं, अर्थात डिंग हाँकते हैं। कि शत्रु तो युद्ध के मैदान में खड़ा है और तुम उसके आगे अपनी अपनी बड़ाई कर जा रहे हो, उससे युद्ध लड़ो, तब तो हम मानेंगे कि तुम हाँ शक्तिशाली हो, तुम बड़े बलवान हो या बहुत। ठीक है, मतलब पर तुम अपने डिंग हाँके जा रहे हो, अपने बारे में बता जा रहे हो मैं गुस्सेला हूँ, मेरे पास कुठार है, मैं ये हूँ, मैं वो। उससे कोई फायदा नहीं है, वो तो कायर लोग करते हैं, वो तो कायरों का काम है। ठीक है, अब हम पांचवा जो हमारा काव्यांश है वो देखते हैं। तुम तो कालो हाक जनु लावा, बार बार मुई लागी बुला। सुनो तिलखन के वचन कठोरा, परसो सुधरी तरे हो कर घोरा। अब जनी हुई दो सो मोही लागो, कटुबादी बालकू बद जोगू। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब ये हो मर निहार सा अभा साचा। कौशिक कहा छमही अपराधो, बाल दोष गुनि गन ही न साधु। कर कुठार में करुण अकरुण को ही आगे अपराध गुरु द्रोही। कर देत छोड़ो बिनु मार केवल, कौशिक सिले तुम्हारे। नाते यति काटी कुठार कठोरे, गुरही उदी हते उषम थोड़े। गांधी सूत कह देह से मुनि हरिये सूज, अस में खान नाख में अजनो न भूज भूज। अब इस काव्यांश की हम व्याख्या देखते हैं। चलिए ठीक है, तुम तो कालू हाके जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। ये लक्ष्मण जी कैसे कह रहे, परशुराम जी को कह रहे कि तुम तो मेरे काल को हाक लगा लगा के बुलाए जा रहे हो। ठीक है, कि मेरे लिए बुला रहे हो। ठीक है, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधरी धरे कर घोरा। लखन जी के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम जी अपने भयानक फरसी के सुधार ठीक प्रकार से हाथ में लेगा और वे बोले। एक बार फिर से बताती हूँ, सुनत लखन के वचन, लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुनकर परशुराम जी ने क्या किया, परसु सुधरी धरे कर घोरा। अपना परसा जो कुठार था उसको अपने हाथ में ले लिया और उसको लक्ष्मण जी को दिखाने लगे। अब जनी दे दोसु
लोगू कटुवादी बालकु बदत जोगू। क्या कह रहे हैं इसमें कि अब आप लोग मुझे दोष मत देना, अब इन देर दोषी मोनु लागू कटुवादी बालकु बोझ जाऊ। ये बालक इतना कटुभाषी है कि इसका वध करना अनिवार्य है, ठीक है, ये वध करने के ही हो गया, इसको मारा जाना ही अच्छा है। बालक विनोद की बहुत में बाचा अभी ये हूँ मर निहार सब साचा। इसे मैं बालक जान के बहुत देर से छोड़ रहा था, मैंने कहा चलो बच्चा है कोई बात नहीं छोड़ दिया, पर ये सचमुच मरने के लिए आतुर हो गया है, ये खुद ही मरने को आतुर हो रहा है, ये खुद ही मरना चाहता है, ठीक है। कौशिक कहा क्षमई अपराधु बाल दोष गुण गा नहीं ना साधु। कौशिक मतलब विश्वामित्र अब क्या कहते हैं कि अपराध को क्षमा कर दीजिए, बालक के गुण और दोष साधु लोग नहीं देखा करते, ठीक है, बालक के गुण और दोष साधु लोग नहीं देखा करते ना गिना करते। खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरु द्रोही। खर कुठार क्या कह रहे हैं, तो परशुराम ने कहा देखो मेरे तीखी धार वाला ये कुठार तो देखो, ये बहुत दया रहित है, ये गुरु द्रोही है और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इसमें क्या कहा है एक बार फिर देखते हैं। देखें खर कुठार में करुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। ये मेरा खर ये कुठार देखो ये बहुत ही दया रहित है, ये गुरुद्रोही है और अपराधी है कि इसने ये गुरु का द्रोही गुरु का इसने अपमान किया है, अपराधी है ये। उत्तर दे छोड़ो बिनु मारे केवल कौशिक तुम्हारे। जो ये उत्तर दे रहा है ना इतने, ठीक है, इतने पर ही मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं, ये सिर्फ कौशिक मतलब विश्वामित्र तुम्हारे कहने पर मैं इन्हें तुम्हारे शीलता के कारण मैं इन्हें छोड़ रहा हूँ, मतलब मैं इसे छोड़ रहा हूँ, ये लक्ष्मण जी के लिए राम जी के लिए नहीं कहा, लक्ष्मण जी को छोड़ रहा हूं, ठीक है। या नाते यदि काठी कुठार कुठोरे गुरु ही उरीन होते श्रम थोड़े। कि मैं तो बस इस कुठार से काटकर थोड़े ही श्रम से गुरु के ऋण से उत्तीर्ण हो जाता, मतलब गुरु के ऋण को चुका देता, बस इतना सा श्रम लगा मतलब मुझे इसे मारने में, मैं गुरु के ऋण से उत्तीर्ण हो जाता। फिर क्या लिखा है, गांधी सूत कह दे हसी मुनि ही हरिये सूज। गांधी सूत कौन है, विश्वामित्र जी है। गांधी सूत हिद्रे में सोच कर कह रहे हैं मुनि को मतलब परशुराम जी को सब कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात पर श्री राम लक्ष्मण को कोई साधारण बालक समझ रहे हैं। अरे खंड नख में अजहू ना बूझ अबूझ, पर ये कोई गन्ने की खांड या जैसे कहते हैं ना जैसे शक्कर मुंह में रखते पिघल जाती है उस समान नहीं, लोहे की खांड के समान मतलब लोहे की तलवार के समान है, ये गन्ने की खांड के समान नहीं है जो मुंह में रखते घुल जाए। मुनि अभी बेसमझ बने हुए हैं, मतलब मुनि को कुछ पता ही नहीं है कि ये है कौन ये दोनों बालक, इन दोनों के बारे में उनको पता ही नहीं है। हमारा फिफ्थ स्टैंजा भी हो गया, अब हम सिक्स्थ पे आते हैं। कहियो लखन मुनि सिलो तुम्हारा को नहीं जान विदित संसार माता पिता ये उरिन भय नी के गुरु निकूस रहा सोचू बड़ जी के सोजनु हमरे माथे कढ़ावा काड़ा दिन चली गाय ब्याज बहुबाणा अब आनिए व्यवहारी बोली तुरत देव मैं थाली खोली सुनी कटु वचन कुठार सुधारा हाय हाय सब सभा पुकारा भृगोबर परसु देख देखाव मोही निप्र विचारी बेचो निपद्रोही मिले न कबहू सुबट रन गाड़े दिज देवता धरही के बाड़े अनुचित कही सबु लोक पुकारे रघुपति
सहनी लखन निवारे लखन उतर आहुति सरिस भृगु क्रोप कुसानु बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल भानु श्री रामचंद्र जी। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कहें लखन मुनि सिलो तुम्हारा। लखन लक्ष्मण जी परशुराम जी से व्यंग करते हुए क्या कह रहे हैं, हे मुनि भला आपके जितना शील है ही कौन है, आपकी शीलता को कौन नहीं जानता, आप तो इतने ज्यादा शील हैं कि आपकी तो बात ही अलग है। कौन है जात विदित संसारा, ये संसार में विख्यात है आपकी शीलता का वर्णन इस पूर्ण संसार में विख्यात है। माता पिता ही उरिन भय नी के गुरु निरु रासो चुबड़ जी के ही माता पिता के ऋण से आप अच्छी तरह उत्तीर्ण, मतलब आपने अच्छी तरह से उनका ऋण उतार दिया है, परंतु गुरु का ऋण अभी आपके माथे शेष है, गुरु का ऋण अभी आपको चुकाना बाकी है। ठीक है, सो जनो हमारे माथे काड़ा, इसलिए आप अपने गुरु का ऋण हमारे माथे मारना चाहते हैं। दिन चले गाय ब्याज उबाड़ा, और दिन जैसे ही दिन बीतते जा रहे हैं उसका ब्याज भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब अनी व्यवहारी बोली तुरंत देव में थाली खोली। अब किसी हिसाब किताब वाले को हिसाब के लिए बुला लीजिए, मैं तुरंत ही अपनी थैली खोलकर दे दूंगा, था हिसाब चुकता कर दूंगा, जो भी मेरे माथे हिसाब में आ रहा है मैं वो हिसाब दे दूंगा, आप किसी हिसाब किताब वाले को बुला लीजिए। ठीक है, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय है सब सवा पुकारा। ठीक है, लक्ष्मण जी के कठिन वचन सुनकर परशुराम जी अपने फरसे को संभाल लिया। अब लक्ष्मण जी ने ऐसे वचन कहे तो फिर परशुराम जी ने फिर ऐसे पकड़ लिया फरसे को, और यह देखकर पूरी सभा में जितने भी लोग बैठे थे सब हाय हाय ये कहने लगे। ठीक है, हाय हाय मचाने लगे। भृगुबर परसु देखाव मोही विप्र विचारे बचे निप दोही की। तब लक्ष्मण जी बोले भृगु श्रेष्ठ आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, भृगु श्रेष्ठ मतलब परशुराम जी आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर राजाओं के शत्रु मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। कि तुम आप तो राजा के शत्रु हो पर मैं आपको ब्राह्मण समझ के बचा रहा हूँ, मैं आपको आपकी बातें सुन रहा हूँ, अपने क्रोध को अपने वश में कर मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ। ठीक है, मिले न कबू सुब सुबट रनगाड़े द्विज देवता धरी के बाड़े। अब क्या कह रहे हैं कि आपको ये रणवीर या बलवान वीर मिले ही नहीं, आपको तो आज तक कोई जो बलवान है जो वीर है वो मिला ही नहीं। हे ब्राह्मण देव आप अपने घर में ही श्रेष्ठ, आप अपने घर में ही राजा है, मतलब बलवान है। ठीक है, घरी के बारे अनुचित कही सब लोग पुकारे रघुपति सैनी लखन निवारे। फिर यह सुनकर पूरी सभा के लोग यह अनुचित है यह अनुचित कहकर पुकारने लगे, और रामचंद्र जी आंखों से लक्ष्मण जी को इशारा कर रहे कि चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ ऐसे। ठीक है, और फिर क्या हुआ अब आगे देखते हैं। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगु क्रोप कुसानु। फिर लखन जी के उत्तर परशुराम के क्रोध आगे में आहुति के समान हुए, जैसे कि उनके जो उत्तर वैसे वो जल भुन गए थे उनकी बातों सुन के, ऊपर से वो और घी का काम कर रहे उसमें उसमें जो सामग्री डलती है उसका काम कर रहे हैं। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगु क्रोप कुसानु। ठीक है, तो आहुति का काम कर रहे हैं, ये हो गया। बढ़त देखी जलसम बचन बोले रघुकुल भानु। उस आग में पानी का काम किसने किया, रघुकुल भानु था श्री राम ने। देखिए इस क्रोध अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री राम सिंह ने जल के समान वचन बोले।
कि जल के समान उस अग्नि को शांत कर दिया। जैसे श्री राम थे उनके बिल्कुल ही उल्टे लक्ष्मण जी थे। श्री राम इतने शांत स्वभाव के, इतने कोमल स्वभाव के, परंतु लक्ष्मण जी उनके बिल्कुल उल्टे। वो बड़े ही गुस्सेल थे और वे बड़े ही तर्क दे रहे थे उन्हें, परशुराम जी को उनपे व्यंग भी कर रहे थे। तो इससे हमने देखा कि क्या क्या हुआ था सीता स्वयंवर में। हम वहां पर प्रस्तुत ना होकर भी इस पाठ से हम वहां प्रस्तुत हो गए। हमने अपने दिमाग में ऐसी कहानी बनाई कि क्या क्या हुआ होगा, और ये बहुत ही अच्छा पाठ है। आप इसको कृपा कर अच्छे से 2 या 3 बार पढ़ें, इस वीडियो को भी आप 1 या 2 बार देखें और फिर इसको अच्छे से समझें। इससे आपका ये पाठ अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मैं आपका शुक्रिया करती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। और आप कृपया कर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर आपको कुछ भी परेशानी हो, कोई चीज़ पूछनी हो, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। यू कैन आस्क ऑन द इंस्टाग्राम अकाउंट एंड ऑल्सो यू कैन DM अस ऑन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग एंड स्टे हेल्दी। बाय।